अब बात करते हैं रीवा की, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे हैं। श्री शर्मा सिंगरौली से चलकर हेलीकॉप्टर से रीवा पहुंचे और जिनका स्वागत चोराटा हवाई पट्टी पर गर्मजोशी से किया गया। तत्पश्चात प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने सिरमौर चौक स्थित भाजपा के नगर निगम चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया, साथ ही संभागीय मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया है। इस दौरान महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास, जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय प्रताप सिंह, सांसद, सभी विधायक सांसद मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने अपने उद्बोधन में क्या कहा। हरि ओम महाद्रिपा प्रदेश पर सुनाई देना चाहिए। ऐसे गजमाला का स्वागत वंदन होते हुए सारे लोगों से निवेदन है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय सांसद जी का, माननीय प्रत्याशी जी का और इस स्वागत आज भारतीय जनता परिवार में शामिल होने वाले सभी लोगों का मैं पार्टी परिवार में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप सबसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि कर्तव्य ध्वज मनोज अग्रवाल जी, साथ ही हमारे बीच में प्रकृति सिंह जी जो युवा छात्र पार्टी के जिले के प्रवक्ता भाई मनोज अग्रवाल जी ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का निश्चय किया है, वो भी सबका साथ सबका विश्वास जी माननीय बीडी शर्मा जी के साथ चल रहा है। ऐसे में मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करूंगा। प्रतीजी सिंह जी जो हमारी युवा छात्र नेत्री हैं, प्रिया जी प्रतीजी सिंह जी को हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व में मंत्री रहे और इस बिंद की धरती पर 43 जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, लेकिन मित्रों में आज मेरे महापौर और मेरे 45 के 45 पार्षद प्रत्याशियों से कहना चाहता हूं कि आज आप प्रत्याशी के तौर पर यहां पर इस सभा के अंदर बैठे, कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, मुझे तो पूर्ण विश्वास है राजेंद्र जी 40 नहीं महापौर के साथ 45 के 45 जीत करके आएंगे और हम यहीं पर बैठेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, आप पार्षद बनेंगे, लेकिन पार्षद एक पद है, आप उस वार्ड के जनसेवक बनते हुए जनता की सेवा के लिए उस भूमिका में काम करेंगे। जब पार्षदों की श्रृंखला भी इस रीवा के अंदर जैसे महापौरों की श्रृंखला है, ऐसे पार्षदों की भी श्रृंखला बन करके रीवा की सेवा में आप राष्ट्रीय प्रवक्ता वगैरह वगैरह बहुत प्रदेश के प्रवक्ता के तौर पर है, पहले जरा मंथन करिए कि भाजपा में आप क्यों आना चाहते हैं। तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा कि नहीं, हमने अब तय कर लिया है कि इस देश के अंदर अगर कुछ किया जा सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही इस देश के अंदर किया जा सकता है। ऐसे सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। हमारा वरिष्ठ नेतृत्व यहां पर बैठा है भारतीय जनता पार्टी का है और ये जो विकास इस बिंद के अंदर रीवा के अंदर जो हुआ है उसकी आवाज है, बोलिए भारत माता की, भारत माता की।